संयुक्त अरब अमीरात में जो भारत के राजदूत हैं उन्होंने वहां बसे भारतीयों को संदेश दिया है और संदेश का लब्बुलबाब यह है कि आप वहां जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय दें, अफवाह ना फैलाएं और साथ ही पैनिक ना फैलाएं, घबराहट ना फैलाएं। अर्ज ऑल द इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स स्टेइंग हियर टू रिमेन सेफ एंड हेल्दी एंड डू नॉट स्प्रेड पैनिक, डू नॉट वेंचर आउट, स्टे पुट वेयर यू आर, स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ COVID-19। अब आप सोचेंगे कि आखिर राजदूत ये संदेश क्यों दे रहे हैं। राजदूत इसलिए ये संदेश दे रहे हैं क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, सऊदी अरब में कई भारतीय जो फंसे हुए हैं वो वहां पर मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं, वो वहां पर बैठे बैठे देश की नाक काट रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि अब वहां पर वहां की सरकारों में जबरदस्त गुस्सा है। आपकी स्क्रीन पर संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी का यह संदेश, ये संदेश दे रहे हैं वो एक ऐसे भारतीय को जो वहां बैठे बैठे हिंदू मुस्लिम कर रहा था और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रहा था। उन्होंने क्या कहा है? द रूलिंग फैमिली इज फ्रेंड्स विद इंडियंस बट एज अ रॉयल योर रूडनेस इज नॉट वेलकम। जो वहां पर सत्ताधारी पार्टी है वो सभी भारतीयों की मित्र है मगर आपकी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल एम्प्लॉइज आर पेड टू वर्क, नो वन कम्स फॉर फ्री। जो लोग यहां काम करते हैं उन्हें पैसा दिया जाता है, कोई फ्री में काम नहीं करता। यू मेक योर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दिस लैंड विच यू स्कॉन एंड योर रिडिक्यूल विल नॉट गो अननोटिस्ड। यह मुद्दा क्यों सामने उभर कर आया? क्योंकि वहां पर बसा एक शख्स सौरभ उपाध्याय वहां की सरकार का मजाक उड़ा रहा था और उनके जरिए मुसलमानों को टारगेट कर रहा था। बात यहां नहीं रुकी। अब आपके सामने कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ और इस्लामिक अफेयर्स के एक मिनिस्टर अब्दुल्ला अल शुरेखा, इन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? द परसिस्टेंस ऑफ दीज ब्रूटल असॉल्ट्स ऑन मुस्लिम्स इन इंडिया मे रिजल्ट इन बॉयकॉट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स एंड गुड्स बाय मुस्लिम नेशंस। मुसलमानों पर जो लगातार हमला हो रहा है या जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसके जरिए जो भारतीय गुड्स हैं उन पर पाबंदी लग जाएगी। यही नहीं, इन्होंने कहा है कि मुसलमानों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसके चलते जो भारतीय गुड्स हैं उन पर पाबंदी लग जाएगी। ये कुवैत के एक मंत्री कह रहे हैं। अब मैं चाहूंगा एक बार फिर आप पढ़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश दिया था। प्रधानमंत्री इस संदेश में कह रहे हैं कि कोरोना संकट में हम सब एक साथ हैं और यह संकट जब हमला करता है तो आपकी धर्म, आपकी जाति, आपके रंग पर निगाह नहीं डालता। प्रधानमंत्री ये क्यों संदेश दे रहे हैं? और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ये संदेश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और इस तरह के भक्त हमारी नाक काटने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और बयान दिखाता हूं दोस्तों। यह है तेजस्वी सूर्या, बैंगलोर साउथ से बीजेपी के सांसद। यह उनका पुराना बयान है जो उन्होंने एक और शख्स तारिक फतेह के बयान का हवाला देते हुए, यह शायद उन्होंने बहुत पहले बयान दिया था जब वो सांसद भी नहीं थे। इन्होंने क्या कहा था मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 95% अरब औरतें जो होती हैं उन्हें पिछले 100 सालों में ऑर्गेज्म नहीं हुआ है। वह हर औरत जो बच्चे पैदा करती है वो बच्चे प्यार का परिणाम नहीं होते हैं, वो सिर्फ सेक्स का परिणाम होते हैं। इन्होंने हवाला दिया है तारिक फतेह का। नतीजा क्या हुआ? वहां पर जबरदस्त नाराजगी हो गई है। सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप तेजस्वी सूर्या पर कार्रवाई करें। मैं स्पष्ट कर दूं कि तेजस्वी सूर्या का यह बयान पुराना बयान है, मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बीजेपी में जगह क्यों मिलती है? यह बयान पुराना होगा, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि ऐसे लोगों को जगह क्यों मिलती है। प्रज्ञा ठाकुर आपकी सांसद हैं जो कि आतंकी आरोपी हैं, ऐसे लोगों को जगह क्यों मिलती है जो बाद में जाके अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की नाक कटवाते हैं? क्या इस सवाल का जवाब किसी के पास है? तेजस्वी सूर्या के इस पुराने बयान को लेकर इस वक्त मध्य पूर्व के कई देशों में नाराजगी है। कई लोग कह रहे हैं कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर इसे कभी विदेश मंत्रालय में शुमार किया गया
बतौर मंत्री, तो हम इसका प्रवेश वर्जित कर देंगे अपने अपने देशों में। बाद में तेजस्वी सूर्या को यू टर्न लेना पड़ा और उन्हें अपने इस ट्वीट को हटाना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। यही नहीं, कुछ देर पहले मैंने आपके सामने कुछ ट्वीट्स पेश किए थे जिसमें संयुक्त अरब अमीरात या कतर में या कुवैत में बसे कुछ भारतीय जहरीले बयान दे रहे थे, उन्हें भी जब धमकी मिली तो अपने ट्वीट्स इन्होंने डिलीट कर दिए। मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपने वाकई कोई बहुत महान बात की है तो आप उसे हटा क्यों रहे हैं, आप डिलीट क्यों कर रहे हैं? जो वहां पर इस्लामिक कानून है आप उसके हिसाब से कानून का सामना क्यों नहीं करते हैं? आप सावरकर आसनम क्यों कर रहे हैं बताइए? मैं फिर आपके सामने रखना चाहूंगा प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना संकट में हम सब एक साथ हैं, क्योंकि यह संकट ना किसी का धर्म देखता है, ना किसी की जाति, ना किसी का रंग। मगर बीजेपी क्या कर रही है, उसके नेता क्या कर रहे हैं, इनके भक्त विदेशों में क्या कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। अब एक और शर्मनाक मिसाल, क्या आप जानते हैं कि मेरठ के अंदर इस अस्पताल ने, जो आपके स्क्रीन पर है, फरमान जारी कर दिया था कि मुसलमानों का इलाज नहीं होगा। नतीजा क्या होता है कि पुलिस ने इस मामले में अब केस दर्ज कर दिया है। यानी कि जो जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अब अस्पताल भी खुलेआम, और मेरठ ये अस्पताल कहीं किसी गांव कस्बे का नहीं है, मेरठ का अस्पताल है। इनकी बेशर्मी की इस कदर इंतहा कि इस तरह से जहर खुलेआम फैला रहे हैं। पुलिस तक को अब कार्रवाई करनी पड़ी है। आज मैं आपसे सवाल यही तो पूछ रहा हूं कि हम कहां रुकेंगे, कहां थमेंगे, यह जहर हम कितना फैलाएंगे? अगर इस तरह से हम जहर में लबरेज रहेंगे, सराबोर रहेंगे, तो हम इस संकट का सामना कैसे करेंगे? यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं, यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं, जो कि अतीत में कई विवादास्पद बयान दे चुके हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका पुलिस आखिर मीडिया को क्यों एक्सपोज कर रही है? वो इसलिए एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं हमारी प्राथमिकता है कोरोना संकट का समाधान। हमारी ये प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता ये नहीं है कि अभी समाज के अंदर दंगे फैल जाएं, और ये मीडिया इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। मैं आपको पहले भी मिसाल दे चुका हूं, एक बार फिर मिसाल देता हूं। इंडिया टीवी ने यह खबर चलाई थी कि किस तरह से यह तबलीगी जमात का नेता जो है थूकने की वकालत कर रहा है। बाद में ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल की और पता चला कि वीडियो बहुत पुराना है, साल 2017 का है। इंडिया टीवी को शर्म की मारे अपनी इस स्टोरी को हटाना पड़ा। आपको याद है इंडिया टुडे का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसके अंदर उनकी कुछ रिपोर्टर्स एक मदरसे के अंदर घुसे और ये कहा कि ये जो बच्चे यहां फंसे हुए हैं, कोरोना संकट को लेकर जो नियम कानून है उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई थी। उसमें मैंने कुछ सवाल पूछे थे। नंबर एक, इन बच्चों को उनके घरों तक कैसे पहुंचाया जाता अगर ये लोग यहां नहीं रहते? क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी और सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था, तो कितने ही मजदूर, गरीब मजदूर, अपने बच्चों को अपने कंधों पर टांगे दिल्ली से बिहार तक के लिए निकल गए थे। ये न्यूज चैनल्स क्या चाहते हैं कि इस तरह से ये गरीब बच्चे, मदरसे के गरीब बच्चे सड़कों पर निकल जाते? अब न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल आपके सामने है। न्यूज लॉन्ड्री की इस पड़ताल में यह बात सामने उभर कर आई है कि जो भी दावे किए गए थे इसमें वो सरासर झूठे हैं, और यह दावा कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के मुलाजिम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुलाजिम न्यूज लॉन्ड्री की इस खबर के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जिस तरह के दावे स्टिंग ऑपरेशन में किए थे वो सरासर गलत थे। तो क्या इंडिया टुडे इस सवाल का जवाब देगा कि इस वक्त आपको स्टिंग ऑपरेशन करने की क्या जरूरत थी? बताइए। आज हमारी मीडिया, सत्ताधारी बीजेपी के कुछ छुटभैया नेता सरासर कोरोना संकट के खिलाफ हमारी जंग को कमजोर कर रहे हैं। न सिर्फ कमजोर कर रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ भी कमजोर कर रहे हैं। वो संदेश एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर, और यह संदेश मैं आपको क्यों बार बार दिखा रहा हूं, ताकि आप समझ जाएं
कि कोरोना संकट का हल हिंदू मुस्लिम करके नहीं होने वाला है। ये जो तमाम मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं, वो सिर्फ देश के माथे पर बदनामी लगा रही हैं और कुछ नहीं। ये सरल सी बात आप कब समझेंगे? खैर, बेबाक में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।